आप सभी लोगों का रात्रि कालीन क्लास में एक बार फिर से पुनः स्वागत है। आज का सेशन हमारा केवाईसी पॉलिसी पर था, वो इनकम्प्लीट रह गया था, उसी को आज हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे और उसके कुछ और फीचर्स देखेंगे जो हमसे रह गए थे। वो सारे फीचर्स पर आज फिर से चर्चा होगी जो छूट गए थे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमने केवाईसी के सारे आयाम देख लिए थे कि केवाईसी क्या होता है, कौन से ओवीडीज लेते हैं, किस ओवीडी को हम केवाईसी के रूप में लेते हैं, किसको सिर्फ एक पहचान के रूप में लेते हैं। जैसे पैन कार्ड है तो पैन कार्ड के लिए हम एक पहचान के रूप में लेते हैं, एक आइडेंटिटी के रूप में लेते हैं, क्योंकि तो उसमें एक फीचर मिसिंग होता है कि एड्रेस नहीं होता है ना। तो फुल केवाईसी के रूप में हम उसको नहीं ले सकते, उसके साथ में एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमको ऐसा लेना होता है जिसमें एड्रेस प्रूफ हो। अब मनी लॉन्ड्रिंग की रिस्क कैटेगराइजेशन, इंडिविजुअल्स अदर देन हाई नेटवर्थ एंड एंटिटीज हुज एंटिटीज एंड सोर्स ऑफ वेल्थ कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड एंड ट्रांजेक्शन इन हुज अकाउंट कंफर्म टू नोन प्रोफाइल विल बी क्लासिफाइड एज लो रिस्क, है ना। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं लो रिस्क के क्या होता है। सैलरीड एम्प्लॉयड, पेंशनर एम्प्लॉयड, पीपल बिलोंगिंग टू लोअर इकोनॉमिक पोर्शन ऑफ द सोसाइटी हुज अकाउंट सेल बी स्मॉल बैलेंस लो टर्नओवर, सबसे मेन बात है यहाँ पर लो टर्नओवर, और ऐसे अकाउंट्स जो कि सैलरीड, जहां पर सैलरी आ रही हो, पेंशनर्स के अकाउंट हो, है ना। ये सारे के सारे जो अकाउंट है वो मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं, है ना। जो कंटिन्यू जिसमें पैसा आ रहा है, एक फिक्स अमाउंट का पैसा आ रहा है और उस पैसे का पब्लिक इस्तेमाल कर रही है, फिर अगेन एक फिक्स अमाउंट का पैसा आया उसको पब्लिक ने इस्तेमाल किया, ऐसे अकाउंट्स को लो रिस्क की कैटेगरी में रखा गया है। कस्टमर हु आर लाइकली टू पोज हायर देन एवरेज मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क टू द बैंक शुड बी कैटेगराइज एज मीडियम और हाई रिस्क डिपेंडिंग ऑन देयर बैकग्राउंड नेचर एंड लोकेशन ऑफ एक्टिविटी कंट्री ऑफ ओरिजन सोर्स ऑफ फंड कस्टमर प्रोफाइल एनुअल इनकम एंड टर्नओवर। मीडियम रिस्क में कौन से पीपल आएंगे, कि मीडियम रिस्क की जब हम बात करेंगे तो नेचर ऑफ लोकेशन ऑफ एक्टिविटी, कि कहां पर वो अपनी एक्टिविटी कर रहा है, किस कंट्री से ओरिजिन है, उसका सोर्स क्या है फंड का, और कस्टमर की प्रोफाइल क्या है, और साथ साथ में उसके टर्नओवर के हिसाब से उसकी प्रोफाइल निर्धारित होगी। कस्टमर रिक्वायरिंग हाई लेवल ऑफ मॉनिटरिंग एग्जाम्पल दोज इन्वॉल्विंग कैश इंसेंटिव बिजनेस पॉलिटिकल एक्सपोज पर्संस कैन बी कैटेगराइज्ड की रिस्क कस्टमर्स, ऐसे कस्टमर्स जिनका बहुत ज्यादा कैश का इन्वॉल्वमेंट है, है ना, जिनके में कैश का फ्लो ज्यादा है, कह सकते हैं कि जिनका कैश फ्लो ज्यादा है और पॉलिटिकली एक्सपोज्ड है, जिनका पॉलिटिक्स से बढ़िया सा बैकग्राउंड रहा है, उनको हाई रिस्क की कैटेगरी में रखा जाता है। देन असाइनिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क कैटेगराइजेशन टू कस्टमर बाय ब्रांच बाय द सिस्टम, अब इसको हमें अपने सिस्टम से कैसे असाइन करना है, तो इसका एक मेनू दिया है थ्रू रिस्क यू बाय टेकिंग इनटू अकाउंट थ्री रिस्क पैरामीटर्स सच एज, अब ये जो रिस्क यू है वो हो सकता है कि मतलब कई ब्रांचेस में कई बैंक में अलग नाम से उसको जाना जाता हो, है ना। तो यहाँ पर रिस्क यू करके एक कमांड है या मेनू का ऑप्शन है जिसके द्वारा ये हम पैरामीटर्स को असाइन कर सकते हैं। उसका एक देखते हैं कि कंट्री ऑफ डोमिसाइल इंडिया है या पाकिस्तान है, तो वैसे ही आपकी रिस्क कैटेगराइजेशन हो जाएगा। एनुअल इनकम या टर्नओवर इन द अकाउंट, किसी में एकदम से 1 करोड़ रुपए आ रहा है, अभी तक 10-10 हजार रुपए आता था, साल भर से एकदम से उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ गया, और 1 करोड़ रुपए को भी उसने एक आदमी को नहीं दिया, उसने कई जगह स्प्लैटर कर दिया, है ना, फैला दिया, बिखेर दिया उस पैसे को। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी होंगी वो आपको रिस्क कैटेगराइजेशन करने में सहूलियत देंगी। टाइप ऑफ प्रोडक्ट सर्विस अवेल्ड बाय द कस्टमर विद अ व्यू टू अवॉइड ह्यूमन इंटरेक्शन, मीडियम रिस्क कस्टमर थोड़ा समझा दीजिए, मीडियम रिस्क कवर आई तो पॉलिटिकल वगैरह ये सब समझ में आ गया, लो भी समझ में, मीडियम रिस्क। मीडियम रिस्क में
ऐसे कस्टमर्स आएंगे जिनका कैश फ्लो मीडियम होगा, है ना। जैसे कि लोकेशन ऑफ नेचर एंड लोकेशन ऑफ एक्टिविटी, सपोज करिए कि कोई कस्टमर ऐसा है जिसका करंट अकाउंट है या जमीन का व्यापार करता है, है ना। जितने भी कंस्ट्रक्शन वाले हैं, जमीन का व्यापार करने वाले हैं, जिनके पास पैसे का जो सोर्स है ना, पैसे का सोर्स है, इनकम निर्धारित नहीं है, निर्धारित इनकम नहीं है, जैसे जो प्लॉटिंग वगैरह करते हैं, करंट अकाउंट रखे हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, पैसा आता है फिर निकालते हैं भेजते हैं, वो आएंगे। हाँ, उसमें भी निर्धारित नहीं है। जैसे बिजनेस में भी ऐसा होता ना कि मेरा मान लो 1 लाख रुपए का काउंटर है ना, मतलब ये पता है कि उसको कि मेरे दुकान पे 1 लाख रुपए का टर्नओवर लगभग लगभग रोज हो जाता है। तो ऐसे कस्टमर्स आप मान के चले कि ये मीडियम रिस्क में है। साथ साथ में जो बिल्डर्स या लैंड का काम करते हैं कि आज उनने 50 लाख की जमीन खरीदी और कल उन्होंने 70 लाख की बेच दी, अब पैसा कहाँ करेंगे। तो ऐसे जो करंट अकाउंट्स या ओडी वाले जो क्लाइंट होते हैं उनको मीडियम रिस्क में डाला जाता है। ओके ओके सर, ओके थैंक यू, है ना। मतलब ना वो हाई रिस्क में बहुत बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं वो पाली जाती हैं हाई रिस्क में, और बड़ी और छोटी के बीच में जितनी होती है वो सारे मीडियम रिस्क में जाती हैं। सही, ठीक है ना। और लो रिस्क में तो समझ ही गए कि भाई आपको पता है कि लगभग लगभग इतना पैसा इसके महीने में हर महीने आता है, उसी से अपना रहा बेचारा गुजारा कर लेता है, तो वो सारे लो रिस्क वाले हो गए, ठीक है। अब ये जो रेस्क्यू कमांड है ये अलग अलग बैंकों में अलग अलग हो सकती है ना। अब ये हो सकता है फिनेकल में रेस्क्यू करके हो, CBS में किसी और नाम से हो, तो ये परिवर्तित हो सकती, पर पैरामीटर जो है वो सेम रहेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क कैटेगराइजेशन ऑफ कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ अबव पैरामीटर्स आर ड्राइव्ड एंड पॉपुलेटेड बाय डाटा सेंटर इन द CBS सिस्टम एट PCOD 2। तो ये डाटा सेंटर का एक काम है कि उसको अपना असाइन करना है। ब्रांचेस विल मेक सूटेबल करेक्शन इफ एनी इन रिस्क कैटेगराइज्ड असाइंड बाय द कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स और गिव रिस्क कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन देयर परसेप्शन एट द टाइम ऑफ ओपनिंग अकाउंट एट PCOD 1 अंडर MIS टैब। अब देखो, रिस्क कैटेगराइजेशन का काम जो है वो डाटा सेंटर को करना है CBS सिस्टम में, बट वो कब कर पाएगा? तो इसके लिए जो हमने पहले पैरामीटर्स देखे थे, कहाँ पर पैरामीटर्स देखे थे? प्रोफाइल में जो पैरामीटर्स देखे थे, प्रोफाइल में पैरामीटर्स नेम, जेंडर, सोर्स ऑफ आपका एनुअल इनकम, ये सारे के सारे जो हम CIF में भरते हैं ना, वो सारे के सारे पैरामीटर्स को अगर एक प्रिंसिपल के साथ हम फिल करें, वन टाइम राइट, पहली बार में ही अगर हम पूरी की पूरी उसकी CIF को उसके डॉक्यूमेंट के हिसाब से करेक्ट फिल कर दें, तो जो AI सिस्टम होगा, जो डेटा सेंटर होगा, उसके लिए बहुत आसान हो जाता है उसकी रिस्क कैटेगराइजेशन का निर्धारित करना। यहां पर मेरे शब्दों पर ध्यान देना, वन टाइम राइट, आप पहली बार में ही काम कर रहे हैं, पहली बार में ही आप उसको करेक्ट कर दें, पूरी की पूरी CIF को बिल्कुल करेक्ट भर दें, जो भी है कस्टमर आपके सामने रहेगा अकाउंट ओपनिंग करते टाइम, जो भी कुछ पूछना है सब कुछ उससे पूछ डालो जो आपको जरूरत हो CIF भरने में, दोबारा आपको फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, MIS टैब है उसको करेक्ट कैटेगरी में डाल देगा, है ना। तो इस तरीके से उसका रिस्क कैटेगराइजेशन भी हो जाएगा। हायर ऑफ द रिस्क कैटेगरी ऑफ द कस्टमर आइदर एट PCOD 1 और PCOD 2 विल बी टेकन बाय द सिस्टम, तो वो सिस्टम उसको इजीली ले लेगा। इसका एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक अभी कोई एक सर्वे हुआ था, उसमें जितने भी मेल अकाउंट थे कई का जेंडर चेंज करके फीमेल डाला हुआ था। अब वो उज्ज्वला लक्ष्मी में आए तो पता चला कि रमन लाल भैया जो है उनको भी उज्ज्वला योजना में उनका नाम आ रहा है, तो वो क्या था, एक एरर थी कि हमने वन टाइम राइट, जो भी हमारे पहले गए थे उन्होंने वन टाइम राइट नहीं किया तो उसमें एरर आ गई। तो इसीलिए अगर हम वन टाइम राइट करेंगे तो ये जो है इसका रिस्क कैटेगराइजेशन, चाहे वो PCOD 1 रखे या PCOD 1-2 ले, तो वो करेक्ट लेगा, एक बार में ही करेक्ट लेगा। और जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको भी ये बताएं कि भाई आप वन टाइम राइट करिए, हमेशा आपके लिए और बैंक के लिए सहूलियत हो जाएगी और कभी कोई गलती के चांसेस ना रहेंगे। रिव्यू ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क कैटेगराइजेशन, रिव्यू ऑफ रिस्क कैटेगराइजेशन ऑफ कस्टमर्स विल बी कैरिड आउट पीरियोडिकली ऑफ नॉट लेस देन वंस इन अ 6 मंथ एज डायरेक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
हमारी रिजर्व बैंक भी कह रही है कि आप कम से कम 6 महीने में एक रिस्क कैटेगराइजेशन का रिव्यू जरूर करें। अब रिव्यू आपको कैसे करना है ये तो बोल दिया उसने कि भाई आपको करना है, बट प्रैक्टिकली आप कैसे करेंगे? तो 6 महीने के अंदर जब भी ग्राहक आता है तो एक बार उसका टैब करके उसका कस्टमर आईडी खोल लिया और उसका जो रिव्यू डेट है, जो रिस्क कैटेगराइजेशन चेंज डेट है, उस डेट में आपको क्लिक करके प्रेजेंट की डेट डाल देना है। तो वो हर 6-6 महीने में आपका एक्सटेंड होता रहेगा और रिव्यू भी होता रहेगा, बशर्ते कस्टमर आपके सामने प्रेजेंट होना चाहिए, है ना? कस्टमर आपके सामने प्रेजेंट है तभी ये करना है। बैंक विल देयरफॉर रिव्यू रिस्क कैटेगराइजेशन इन मार्च फॉर हाफ ईयर एंडिंग मार्च एंड सेप्टेम्बर, फॉर हाफ ईयर एंडिंग सेप्टेम्बर फॉर एवरी ईयर। अब जो कस्टमर आता है हमारे सामने तो हम उसको कस्टमर ड्यू डिलीजेंस करते हैं, है ना? कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, ड्यू डिलीजेंस के भी 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं कस्टमर ड्यू डिलीजेंस के? 3 टाइप। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कस्टमर ड्यू डिलीजेंस दैट कैन बी यूज्ड बाय द बैंक। ड्यू डिलीजेंस से हमको कस्टमर को परखने में आसानी होती है, है ना? जैसे अपन अब परखते हैं ना लोगों को, जैसे इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में क्या होता है, कुछ एक पैनल होता है जो सभ्य जातियों में से कुछ लोगों को परखता है कि भाई इसके अंदर कितनी कंसिस्टेंसी है, वैसे ही हम यहाँ पर कस्टमर्स को परखते हैं। तो 3 टाइप के ड्यू डिलीजेंस होते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले बेसिक ड्यू डिलीजेंस। बेसिक ड्यू डिलीजेंस में क्या होता है, कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एंड फोटोग्राफ टू एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ द कस्टमर। क्या करना है इसमें, आपको उसके आईडी प्रूफ्स को कलेक्ट करना है, फिर आईडी प्रूफ का वेरिफिकेशन करना है क्या वो सही है कि नहीं है, फिर उसके एड्रेस प्रूफ को देखना है कि एड्रेस प्रूफ जो दिया है वो ओरिजिनल है या नहीं है, और साथ साथ में उसकी फोटोग्राफ से उस व्यक्ति का मिलान करना है। ये तो हो गया हमारा बेसिक ड्यू डिलीजेंस। देन आता है सिंप्लीफाइड ड्यू डिलीजेंस। एनी ड्यू डिलीजेंस अप्लाइड टू एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ कस्टमर विच इन्वॉल्व्स मेजर्स लेस स्ट्रिंजेंट देन बेसिक ड्यू डिलीजेंस कैन बी टर्म्ड एज सिंप्लीफाइड ड्यू डिलीजेंस। एग्जाम्पल BSBD अकाउंट। इट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू अकाउंट विच हैव अ फाइनेंशियल कैप अकाउंट वेयर द बैलेंस ऑफ द अकाउंट टोटल कैप और टोटल क्रेडिट्स इन द अकाउंट एट एनी पॉइंट इन अ ईयर शुड नॉट बी एक्सीड 50,000। इसका एक सिंपल सा उदाहरण दे देता हूं कि सिंप्लीफाइड ड्यू डिलीजेंस कैसे करना है। सिंप्लीफाइड ड्यू डिलीजेंस में क्या करना है, आपको फिजिकली बायोमेट्रिक से उसका एक KYC ले लेना है। जैसे EKYC होता है ना, EKYC, तो EKYC जैसे ही आप लेंगे तो उसमें जैसे आधार है, आधार सफरो रमेश नायक के नाम से बना हुआ है ना? आपने देखा रमेश नायक के नाम से, आपको डाउट हो रहा है कि नहीं यार ये तो रमेश शर्मा था, ये नायक किसने सुधार करी हो, तो आप वहां पर EKYC ले सकते हैं। जैसे ही आप EKYC लेंगे, अगर वो नायक होगा तो नायक उसमें आ जाएगा, और अगर शर्मा होगा तो शर्मा लिखा हुआ आ जाएगा, है ना? तो आपने क्या किया, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एट अ टाइम कर लिया। दैट इज कॉल्ड सिंप्लीफाइड ड्यू डिलीजेंस। KYC ड्यू डिलीजेंस of all the member of SSG shall not be required while opening the saving account. अब क्या है कि simplified norms for the SSGs. Simplified norms SSG के लिए क्या है, ये तो अभी तक अपन बात कर रहे थे individual की, अब SSG के लिए क्या है, तो ये कह रहा है कि सभी members का KYC shall not be required while opening the saving bank account. But इसका ये मतलब नहीं है कि आपको किसी का भी नहीं लेना है, जो भी उसके operators होंगे उन सभी का लेना ही लेना है, अध्यक्ष सचिव का लेना है, ऑपरेटर का लेना है। अकाउंट ऑफ SSG, KYC वेरिफिकेशन एंड CDD ऑफ ऑल द ऑफिस बियरर शैल सफाइस फॉर दिस पर्पस। कस्टमर ड्यू डिलीजेंस ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ SSG मे बी टेकन एट द टाइम ऑफ क्रेडिट लिंकिंग ऑफ SSG। जब भी आपको क्रेडिट लिंकिंग करें SSG, तो सभी मेंबर्स का ड्यू डिलीजेंस यहां पर करना है। प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट। अगर फॉरेन स्टूडेंट है उस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो बैंक शेल एट देयर ऑप्शन ओपन एन RO बैंक अकाउंट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट ऑन द बेसिस
of his her passport with appropriate visa and immigration endorsement, which contained a proof of identity and address in the home country, along with the photograph and letter offering admission from the educational institute in India. अब अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट है आपके पास वो अकाउंट ओपन करने आया, तब उसका ड्यू डिलीजेंस कैसे करना है? तब आपको उस स्टूडेंट्स का एक तो कोई भी वो जनरल होगा उसको देखना है, फिर उसके पासपोर्ट के बेसिस पे आप उसका ड्यू डिलीजेंस करना है, ठीक है? जैसा कि पासपोर्ट जो होगा उस पर आपको ड्यू डिलीजेंस करना है, क्योंकि उसमें एप्रोप्रिएट वीजा होगा और इमिग्रेशन का एंडोर्समेंट होगा कि वो किस काम के लिए यहाँ पर आया हुआ है, और साथ साथ में उसकी आइडेंटिटीज देखना है, जहां पर उसकी कंट्री में उसका एड्रेस लिखा हो, उसकी कंट्री में वो कहाँ रहता है उसका फुल एड्रेस होना चाहिए, और साथ साथ में उसकी फोटोग्राफ होनी चाहिए, है ना। इसके साथ साथ उसके पास कोई ना कोई लेटर होना चाहिए कि भाई किस पर्पज से वो यहाँ आया है। सपोज करो बीएससी करने के लिए वो यहाँ आया, तो उसके पास ऑफर लेटर होना चाहिए एडमिशन का कि भाई ये सागर यूनिवर्सिटी से बीएससी करने के लिए आया है, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी से बीएससी करने के लिए आया है, है ना। तो ये क्या हो गया, एक प्रॉपर एड्रेस हो गया कि भाई सागर यूनिवर्सिटी से करेगा और साथ साथ में क्रिमिनोलॉजी से बीएससी करेगा। तो ये फुल इंफॉर्मेशन उसकी अपने पास हो गई, फुल कस्टमर ड्यू डिलीजेंस हो गया। इस तरीके से हमें उसका एनआरओ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। Declaration about the local address shall be obtained within a period of 30 days of opening the account and said local address is verified. अब आप NRO का अकाउंट तो ओपन कर देंगे, बट उसका लोकल का एड्रेस नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं तो रहेगा, या तो हॉस्टल में रहेगा या यहाँ रूम लेके रहेगा। तो 30 दिन के अंदर उसको उसका लोकल एड्रेस प्रूफ सबमिट करना है और हमको उसको वेरीफाई भी करना है। Till the verification of address is pending, foreign remittance not exceeding $1,000 or equivalent into the account are allowed, and a cap of monthly withdrawal ₹50,000 on aggregate in the same during the 30 days of period. जब तक उसका address, जो local address है वो pending है, उसका verification pending है, तब तक उसके अकाउंट में सीलिंग रहेगी कि वो सिर्फ $1 तक का ही उसमें फॉरेन रेमिटेंस हो सकता है, मतलब फॉरेन से पैसा आ सकता है, और अगर वो विड्रॉल करना चाहे तो सिर्फ ₹50,000 ही उस महीने तक विड्रॉल कर सकता है। ऑन रिसेप्ट ऑफ द प्रूफ ऑफ एड्रेस करंट एड्रेस द अकाउंट वुड बी ट्रीटेड एज नॉर्मल NRO अकाउंट। तो जब उसका एड्रेस वेरीफाइड हो जाए तो वो नॉर्मल अकाउंट NRO अकाउंट की तरह ट्रीट होगा। स्टूडेंट विथ पाकिस्तानी नेशनलिटी, जो स्टूडेंट पाकिस्तान की नेशनलिटी से है उनको रिक्वायर्ड होता है प्रायर अप्रूवल, RBI से एक प्रायर अप्रूवल लेना होगा यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के लिए, ठीक है। जो भी पाकिस्तानी स्टूडेंट होगा उसको अगर अकाउंट ओपन करना है तो उसको डायरेक्ट RBI से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी जाकर उसका अकाउंट ओपन होगा। देन आता है एनहेंस ड्यू डिलीजेंस। अब देखते हैं एनहेंस ड्यू डिलीजेंस क्या होता है। एनी एडिशनल ड्यू डिलीजेंस मेजर्स अंडरटेकन ओवर एंड अबव द बेसिक ड्यू डिलीजेंस कैन बी टर्म्ड एज एनहेंस ड्यू डिलीजेंस नीड्स टू बी अंडरटेकन फॉर ऑल हाई रिस्क कस्टमर्स ऑफ द बैंक। जो एनहेंस ड्यू डिलीजेंस होता है वो सभी हाई रिस्क कस्टमर्स के लिए अप्लाई होता है, उनके लिए वो करना जरूरी होता है। Then non-residence customers, जो कि non-residence customers हैं उनके लिए भी ये enhanced due diligence जरूरी होता है। High net worth individuals, HNI customers के लिए, trust, charities, NGOs and the type of organization who receiving donations, और ऐसे organizations के लिए जहां से donation receive होता है उनके लिए भी। Companies having close family shareholdings or beneficiary ownership, firms with sleeping partners, political export persons of foreign origins or resident outside India, customers who are close relatives
ऑफ पॉलिटिकल एक्सपोर्ट पर्संस एंड अकाउंट्स ऑफ पॉलिटिकल एक्सपोर्ट पर्संस इज द अल्टीमेट बेनिफिशियली ओनरशिप नॉन फेस टू फेस कस्टमर दोज विथ ड्यूबरेस रिपोर्टेशन एज पर पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल कैश इंसेंटिव बिजनेस लाइक बुलियन डीलर्स इंक्लूडिंग सब डीलर्स एंड ज्वेलर्स फिड्यूसरी अकाउंट्स एंड पूल्स अकाउंट्स इन सारे के सारे टाइप ऑफ अकाउंट्स और एंटिटीज के लिए हमको इनहेंस ड्यू डिलिजेंस की आवश्यकता होती है Then, NPOs and NGOs promoted by the United Nations and its agencies may be classified as low-risk customers. Bank will not allow opening and holding of accounts on behalf of clients by professional intermediates like lawyer or chartered accountant, etc., who are unable to disclose true identity of owner of the account funds due to any professional obligation of customer confidentiality. Bank को ऐसा कोई भी account open नहीं करना जहां पर जिनका account open कर रहे हैं उससे संबंधित identity और profession और fund की availability का पता ना चले. ऐसे कोई भी accounts open नहीं करना चाहे वो intermediate जैसे कि लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट भी क्यों ना उसको वेरीफाइड करके दें बट हमको ऐसे अकाउंट्स नहीं खोलना जहां पर हम ड्यू डिलिजेंस नहीं कर सकते अकाउंट्स ऑफ पॉलिटिकल एक्सपोर्ट पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया पॉलिटिकल एक्सपोर्ट पर्सन आर इंडिविजुअल हु आर हैविंग इंटरेस्टेड विद प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शन इन द फॉरेन कंट्रीज डिसीजन टू ओपन एन अकाउंट ऑफ पीईपी is taken at senior level. इसका decision generally regional manager को लेना है कि इसका account open करना है या नहीं करना है. Account of non-face to face customer. Branches should also require the first payment to be effected through the customer KYC compliant with another bank for enhanced due diligence of non-face to face customers. The non-face to face customer है उनका हमको enhanced due diligence करना आवश्यक है जब भी वो फर्स्ट पेमेंट रिसीव करें किसी दूसरे अकाउंट से है ना तो उसका ड्यू डिलिजेंस करना आवश्यक है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर सीआईपी सिप ये आपको पता है सीआईपी सिप आपने जो चार पिलर्स पढ़े थे ना केवाईसी ईएमएल के चार पिलर्स में से एक है ना अब याद आ गई होगी वो पिक्चर कैप शिप याद आया ना कुछ कुछ कैप शिप और क्या था कैप शिप रिस्क मैनेजमेंट है ना याद आ गए चारों यस मींस अंडरटेकन क्लाइंट ड्यू डिलीजेंस मेजर्स व्हाइल कमेंसिंग एन अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप इंक्लूडिंग आइडेंटिफाइंग एंड वेरीफाइंग द कस्टमर एंड बेनिफिशियल ओनर ऑन द बेसिस ऑफ द ओबीडीज डन एट द फॉलोइंग स्टेजेस While commencing an account-based relationship with customers, carrying out any international money transfer operation for a person who is not an account holder of bank, and the branches sell third-party product as agent. Third-party product कैसे जैसे बीमा बेच रहे हैं है ना selling the bank-owned product for more than 50,000. जब भी वहाँ पर हमको enhanced due diligence करना है. While carrying out transactions for walk-in customer, where the amount involved is equal or exceeding 50,000, whether conducted as single transaction or several transactions that appears to be connected, when a branch has reason to believe that customer account-based or walk-in is intentionally structuring a transaction into a series of transaction. Below the threshold of 50,000 है ना इन सभी पर हमको enhanced due diligence करना है और enhanced due diligence के लिए आपको सबसे अच्छा टूल है कि जब भी इस तरीके का आपको लगे थोड़ा सा भी डाउट हो तो कस्टमर का एक ई केवाईसी ले लीजिए
और मोस्टली जो थंब इंप्रेशन वाले हैं उसमें भी अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि फोटो मैच नहीं हो रही है, थंब नहीं लग रहा है, तब भी आप उसका एनहेंस ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं, उसका ई केवाईसी ले सकते हैं। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेफ पैरामीटर्स पर हम पहुंच जाएंगे। ब्रांचेस आर एडवाइज नॉट टू रिलाई ऑन हेलो हाँ हेलो हाँ सर, ये वॉकिंग कस्टमर, ये सर थोड़ा सा बता दीजिए। वॉकिंग कस्टमर जैसे कि सपोज करिए कि मेरा अकाउंट जो है वो सिविल लाइन ब्रांच में है ना, मैंने एक चेक काटा 50,000 का और वो आपको दे दिया, ठीक है, आपका नाम जैसे मैंने लिख दिया उस चेक पे कि अनुज जी को ये पैसा मिलना चाहिए 50,000। अब मैं तो ब्रांच का कस्टमर हूँ, बट अनुज जी मेरा चेक लेके ब्रांच जा रहे हैं उसको कैश कराने के लिए, तो अनुज जी उस ब्रांच के लिए कौन होगा? जस्ट अ वॉक इन कस्टमर। आपका कोई लेना देना नहीं था ब्रांच से, आपका कोई काम भी नहीं था, आपको तो पैसा मेरे से चाहिए था, बट मैंने पैसे की जगह आपको चेक दे दिया, नाउ यू आर द वॉक इन कस्टमर फॉर द ब्रांच। ठीक है, समझ में आ गया? ब्रांचेस आर एडवाइज नॉट टू रिलाई ऑन ड्यू डिलीजेंस डन बाय द थर्ड पार्टी। अगर कोई थर्ड पार्टी आपको ड्यू डिलीजेंस करके दे रहा है तो आपको उस पे ज्यादा रिलाई नहीं करना है, आपको अपना एक फ्रेश ड्यू डिलीजेंस करना है। ब्रांचेस शुड नॉट सीक इंट्रोडक्शन वाइल ओपनिंग अकाउंट्स। न्यू अकाउंट्स विल बी पर्सनली मॉनिटर फॉर एटलीस्ट 6 months बाय द ब्रांच हेड और डेजिग्नेटेड officer. Other than OVD branches have no discretion to accept any other document for due diligence or CIPs. Customer are also required to inform intimate bank about change in their address within 2 weeks of such a changes. इसके लिए जो भी new accounts होते हैं उनको personally monitor किया जाता है for at least 6 months by the branch head or a designated officer. बट बहुत सारे बैंक ऐसे होते हैं जहां पे ये काम ऑटोमेटिकली सिस्टम भी करता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक की अगर बात करें तो स्टेट बैंक में 6 महीने तक अकाउंट में मतलब सारे के सारे डॉक्यूमेंट है वो हमारे LCPC चले जाते हैं और उसके बाद उस अकाउंट की कीन मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा की जाती है जब तक वो 6 महीने तक का नहीं होता, और साथ साथ में उसमें एक क्या कहना चाहिए हर्डल लगा दिया जाता है अकाउंट में कि अगर वो 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश का ट्रांजेक्शन करता है तो आपको न्यू अकाउंट मैनुअल ट्रांजेक्शन रिस्ट्रिक्शन ऐसा करके एक मैसेज शो होगा, देन एक क्यू बनेगी जिसको हायर ऑफिशियल पास करेगा, है ना। तो दो तरीके से हो गया, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मॉनिटर कर रहा है, साथ साथ में ब्रांच के द्वारा भी उसको मॉनिटर किया जा रहा है 6 मंथ तक, है ना। तो ये रिस्क कैटेगराइजेशन यहाँ पर लो हो गई। कस्टमर आर आल्सो रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म इंटीमेट बैंक अबाउट चेंज इन देयर एड्रेस विद इन 2 वीक्स ऑफ द सच चेंजेस। अगर कस्टमर अपना एड्रेस चेंज करता है तो भी उसको बैंक को इन्फॉर्म करना है और इंटीमेट करना है 2 हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर कि मेरा एड्रेस चेंज हुआ है और अब मेरा न्यू एड्रेस ये है, काइंडली अपडेटेड। यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड UCIC जिसको कस्टमर आईडी भी बोलते हैं विल हेल्प बैंक टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स, ट्रैक द फैसिलिटी अवेल्ड, मॉनिटर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ होलिस्टिक मैनर एंड एनेबल बैंक टू हैव अ बेटर अप्रोच टू रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ कस्टमर्स। ये जो कस्टमर आईडी का कॉन्सेप्ट है इससे क्या होता है कि कस्टमर आईडी एक ही रहेगी, आप अकाउंट चाहे कितने भी ले सकते हैं, जैसे कस्टमर आईडी एक है, आपने सेविंग अकाउंट ओपन कराया तो वो कस्टमर आईडी पे खुल गया। अब आप चाहते हैं कि मुझे एक हाउसिंग लोन चाहिए तो हाउसिंग लोन के लिए क्या करेंगे, आपकी कस्टमर आईडी को लेके उस पे एक हाउसिंग लोन क्रिएट कर देंगे, तो अब एक नंबर हाउसिंग लोन का आ गया। अब उस घर में रखने के लिए आपको बढ़िया सी कार चाहिए तो आप आए हमारे पास कि सर हमको कार लेनी है, तो अगेन हमने आपकी कस्टमर आईडी पे आपको एक कार लोन दे दिया, तो उसी कस्टमर आईडी पे लिंक हो गया ये कार लोन का नंबर। तो एक ही कस्टमर आईडी रहने से फायदा ये होता है, यूनिक कस्टमर आईडी रहने से,
कि आपकी जो भी प्रोफाइल है वो एक बहुत बढ़िया तरीके से क्रिएट हो जाती है, आपकी आवश्यकताएं क्या हैं जिनको बैंक पूरा करना चाहता है, तो वो आवश्यकताएं क्लियर हो जाती हैं कि हमारी ये आवश्यकताएं हैं जिनको हमारे चाहते हैं कि बैंक पूरा करे, है ना। तो यूनिक कस्टमर आईडी का कॉन्सेप्ट है ये, टू बी अलॉटेड एट ऑल एग्जिस्टिंग एंड न्यू कस्टमर। बैंक हैज डेवलप्ड अ न्यू मेनू फाइंड कस्ट टू आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग कस्टमर आईडी बेस्ड ऑन पैन, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वोटर आईडी, क्रिएशन ऑफ कस्टमर आईडी। जब हम न्यू अकाउंट खोलते हैं या न्यू कस्टमर आईडी खोलते हैं तो उसमें आईडीज डालते हैं, जिससे कि अगर वो आईडी किसी और कस्टमर आईडी में पड़ी हो तो वो कस्टमर आईडी उभर के आए और कहे कि सर ये आईडी मेरे अंदर पड़ी हुई है तो आप कृपया मेरा उपयोग कर सकते हैं, ये नई कस्टमर आईडी बनाने की जरूरत नहीं है, है ना। तो यही फाइंड कस्टमर आईडी है, ये हो सकता है ये फिनेकल का कमांड हो, सीबीएस में कुछ और कमांड हो। मीनू कस्टमर डीडू एंड मर्ज कस्टमर टू आइडेंटिफाई एंड मर्ज एग्जिस्टिंग डुप्लीकेट कस्टमर आईडीज इन द सिस्टम रिस्पेक्टिवली अलॉटमेंट ऑफ द यूसीआईस। ये तो सभी ब्रांचेज में और सारे बैंकों में आरबीआई के निर्देश अनुसार एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल ही रहा है कि एक कस्टमर की एक ही आईडी होगी और अगर उसकी दो कस्टमर आईडी हैं तो उन कस्टमर आईडी को आपको मर्ज करना है या डीडुप कर देना है, है ना। जैसे कस्टमर आईडी में एक पैन है तो पैन एक ही कस्टमर आईडी में रहेगा, प्रोडक्ट आप कुछ भी ले सकते हो। दो कस्टमर आईडी में एक पैन नहीं रहेगा, दो कस्टमर आईडी में एक ही आधार नहीं रहेगा। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, उनको डीडुप्लीकेशन कर देना है या दोनों कस्टमर आईडी को मर्ज कर देना है, यही यहाँ पर कहा गया है। अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल नेचर पर्संस ऑब्टेन आधार नंबर, ऑब्टेन पैन नंबर, सच अदर डॉक्यूमेंट एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द बैंक। इफ एन आधार नॉट अलॉटेड, प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एनरोलमेंट ऑफ आधार नॉट ओल्डर देन 3 months, एंड इन केस ऑफ पैन इज नॉट सबमिटेड, फॉर्म 60 इज मैंडेटरी, and certified copy of OVD containing detail of identities and address and recent photographs shall be obtained. तो आज के समय में अगर अकाउंट ओपन करना है तो पैन और आधार दोनों को कंपलसरी ही कर दिया गया है। अगर आप बेसिक अकाउंट खोले या इस तरीके से मजदूर वगैरह कोई अकाउंट ओपन करने आते हैं तो उनको एक साल के अंदर अपना OVDs देना है, बाकी ये दोनों चीजें तो एक हिसाब से कंपलसरी है ही है। आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडी बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016। आज के समय में आधार है, सब कुछ है, है ना। जैसे कहते थे ना पहले कि गूगल ही सब कुछ है, उसी तरीके से अगर किसी को भी कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स चाहिए हैं, सब्सिडीज चाहिए है, है ना, डीबीटीज चाहिए है, तो उसके लिए आधार ही सहारा है। तो आधार क्या है, एक टारगेटेड डिलीवरी है फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज एंड बेनिफिट कस्टमर को देने के लिए फ्रॉम एन इंडिविजुअल हु इज नॉट एलिजिबल टू बी एनरोल्ड फॉर एन आधार नंबर और हु इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इंडिविजुअल हु इज नॉट एलिजिबल टू एनरोल आधार नंबर। अगर कोई ऐसा है कि जो एलिजिबल नहीं है, कि वो आधार नंबर नहीं ले पा रहा है, और हु इज नॉट अ रेसिडेंट और वो वहां का रहवासी भी नहीं है, तो हमको फॉलोइंग चीज ऑप्टेन करनी है, उसका पैन कार्ड ऑप्टेन करना है, रिसेंट फोटोग्राफ ऑप्टेन करनी है, सर्टिफाइड कॉपी ऑप्टेन करनी है उसकी ओवीडी की, जहां पर उसका एड्रेस प्रूफ स्पष्ट लिखा हो। ओवीडी सबमिटेड बाय अ फॉरेन नेशनल डज नॉट कंटेन द डिटेल्स ऑफ एड्रेस, इन सच केस द डॉक्यूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन ज्यूरिडिक्शन। फॉरेनर के केस में क्या करना है, जहां पे उसका एड्रेस तो होगा नहीं, तो उसकी जो गवर्नमेंट ने उसको एक एड्रेस प्रूफ जो कि उसके फॉरेन ज्यूरिडिक्शन से इशूड हुआ होगा लेटर, और फॉरेन एम्बेसी या मिशन इंडिया से, जो भी उसका मिशन मिशनरी उनका इंडिया में होगा, वहां से इशू लेटर उसको प्रोवाइड कराना है। वाइल ओपनिंग अकाउंट ऑफ लीगल एंटिटीज पैन इज मैंडेटरी, अगर लीगल एंटिटीज का अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो वहां पर पैन मैंडेटरी है। इन केस ऑफ NRI अकाउंट एक कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट चाहिए और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड चाहिए और वीजा इज मैंडेटरी। द कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट आधार और OVD
updated with current address within a period of 3 months. If not having present address updated, if the customer failed to submit the same within the prescribed timeline, the branch shall cease the operation of account by freezing it. कस्टमर को क्या है, अगर वो एड्रेस चेंज कर रहा है तो उसको 3 महीने के अंदर फ्रेश अपना प्रूफ देना है एड्रेस का, और उसको अपडेट भी करवाना है अपनी आईडी में. और अगर कस्टमर ऐसा करता है, फेल हो जाता है ऐसा करने से, तो उसका अकाउंट भी हम सीज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ अपडेटेड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिटेड, जब भी उसने अपना ओबीडी सबमिट किया था उससे 3 महीने के अंदर. बैंक एट द टाइम ऑफ रिसीव ऑफ आधार नंबर will carried out eKYC authentication biometric OTP based. देखो यहाँ पर वही बात है कि अगर ये सब जब भी आधार नंबर ले रहा है तो उसके साथ साथ उसका eKYC authentication भी आप ले लीजिए, तो उससे एक बेहतरीन ड्यू डिलीजेंस हो जाएगा. नॉन फेस टू फेस अकाउंट्स, अकाउंट ओपनिंग यूजिंग OTP based authentication is performed in नॉन फेस टू फेस मोड for opening new accounts. Upar is the aggregate balance of the all deposit accounts of the customer shall not exceeding rupees 1 lakh. ये सारी की सारी जो condition है ये basic saving bank accounts की यहाँ पर दे रखी हैं. If a customer due diligence procedure is not completing within a year in respect of the deposit account, the same shall be closed immediately. अगर एक साल के अंदर भी आपका ड्यू डिलीजेंस नहीं हो पाता है तो आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा इमीडिएटली. इन रिस्पेक्ट ऑफ द बोरोअर अकाउंट्स, नो फर्दर डेबिट शैल बी अलाउड. अ डिक्लेरेशन शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कस्टमर दैट नो अदर अकाउंट हैज बीन ओपन नॉर विल बी ओपन यूजिंग ओटीपी बेस्ड केवाईसी आइदर विद द बैंक और विद एनी अदर बैंक. While opening, uploading KYC information to CKYC, bank will clearly indicate that such account are opened with OTP-based eKYC procedure. OTP-based या eKYC procedure से हमने CKYC को upload किया है, है ना? eKYC से हम upload क्या कर रहे हैं? CKYC को upload कर रहे हैं. Changes due to introduction of VSIP. अब VSIP में क्या changes हुए हैं? तो of उसके आने से क्या क्या चेंजेस हुए हैं. द ऑफिशियल ऑफ द बैंक परफॉर्मिंग द वीशिप सेल रिकॉर्ड वीडियो एज वेल एज कैप्चर फोटोग्राफ ऑफ द कस्टमर प्रेजेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन. लाइव लोकेशन ऑफ द कस्टमर जियो टैगिंग सेल बी कैप्चर टू एंश्योर दैट द कस्टमर इज फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया. इन केस ऑफ द ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार यूजिंग XML फाइल और आधार सिक्योर QR कोड, इट शुड बी नॉट ओल्डर देन 3 days फ्रॉम द डेट कैरिंग VSIP. ऑल अकाउंट ओपन थ्रू VSIP शैल बी मेड ऑपरेशनल ओनली आफ्टर बीइंग सब्जेक्ट टू कॉन्करेंट ऑडिट. द एग्जिस्टिंग कस्टमर एलिजिबल टू बी एनरोल्ड फॉर द आधार एंड ऑप्टेन परमानेंट fails to submit the Aadhaar number and permanent account number by such date notified by the Government of India. The account will be seized to be operational by the branch till the time Aadhaar number and permanent number is submitted by the customer. Branches ko ensure karna hai ki separate unique customer ID allotted karein joint account holder ke liye. Agar joint account holder hai to dono ki alag alag customer ID hogi, क्योंकि उस कस्टमर अकाउंट से लिंक होगी. इन केस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द अकाउंट फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर केवाईसी वंस डन बाय द वन ब्रांच ऑफ द बैंक विल बी वैलिड फॉर ट्रांसफर ऑफ द अकाउंट विद इन द बैंक एज लॉन्ग एज द फुल केवाईसी हैज बीन डन फ्रॉम द कंसर्न अकाउंट. अकाउंट ऑफ नॉन इंडिविजुअल लीगल पर्सन एंटिटी दैट इज फर्म कंपनी और ट्रस्ट एक्सेट्रा. Sufficient identification documents to verify the identity of legal entities. आपको sufficient documents provide करना है उसकी identity को verify कराने के लिए. Also, all the partners, directors, trustees, and office bearer who are signatory to the account opening form. Opt-in documents for correct permanent address, location of legal entities, as also
all partners, directors, trustee, office bearer who are signatory of the account opening form, as well as obtain recent photographs, also verify the persons, understand the ownership and control structure of the customer, and determine who are the natural persons or the beneficiary persons, and obtain the KYC documents of the beneficiary owner. Okay, where the customer or the owner of the controlling interest is a company listed on a stock exchange or a subsidiary of such company, no beneficiary owner identification mandatory. ऐसी companies जो stock में listed हैं और जो कि मतलब जिनका board of directors से चलती हैं, तो उसमें beneficiary owner का identification जरूरी नहीं है. Trust nominees or fiduciary accounts. While opening an account for a trust, bank will take reasonable precautions to verify the identities of the trustees and the settlers of the trust, grantors, protectors, and beneficiaries and signatories. For opening an account of a trust, certified copies of each of the following documents should be obtained. A certified copy of latest entities or trust, जो भी आपका पेपर रहेगा उसका रजिस्ट्रेशन का वो लेना है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना है, ट्रस्ट डीड लेना है, पैन नंबर ऑफ द ट्रस्ट लेना है, एंड वन कॉपी ऑफ ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल एंड आइडेंटिटी एंड एड्रेस एंड वन रीसेंट फोटोग्राफ एंड परमानेंट पैन नंबर ऑफ द पर्सन होल्डिंग एंड अटॉर्नी टू ट्रांजेक्ट ऑन इट्स बिहाफ. उस पर्सन की सारी डिटेल्स लेनी है जो कि ट्रांजेक्शन करेगा, ऑपरेट करेगा उस अकाउंट्स को. ए रिजोल्यूशन पास्ड इन अ प्रॉपर मीटिंग हेल्ड बाय ऑल ट्रस्टीज एज टू ओपनिंग द अकाउंट विद अ पर्टिकुलर बैंक एंड मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट. आपको उस मीटिंग का एक रिजोल्यूशन जो कि पास्ड किया हो सारे के सारे ट्रस्टी और सारे के सारे मेंबर्स ने, वो ऑब्टेन करना है कि भाई कौन अकाउंट को ऑपरेट करेगा, किस टाइप का अकाउंट ओपन होना है और किस बैंक में होना है. तो ये सारी की सारी जानकारी थी जो केवाईसी एएमएल में आपको ध्यान रखनी है. तो इसी के साथ इस क्लास की, रात्रिकालीन क्लास की हम समाप्ति करते हैं. और एक बढ़िया सा सुविचार यहाँ पर हमारे सामने है कि जीवन में कितनी ही परेशानी क्यों ना आए, कमजोर मत होना, क्योंकि सूरज की तपन से समंदर कभी सूखा नहीं करते. चाहे कितनी भी नींद आए, इस क्लास में डटे रहना, क्योंकि आपकी नींद आपके सपनों जो आपने देखे हैं प्रमोशन पाने के, उनको खत्म नहीं कर सकती. तो सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभ रात्रि. सर वन क्वेश्चन, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी सर जी, नॉन फेस टू फेस कस्टमर का मीनिंग क्या है सर? नॉन फेस टू फेस कस्टमर्स ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो कि जैसे वीसिप से हमने कोई अकाउंट ओपन किया है सर. सर हाँ, है ना, वीडियो से, जैसे जैसे अभी एप्लीकेशन है बैंक का, है ना, उस एप्लीकेशन में आपने वीसिप के द्वारा कोई अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो उसमें वीडियो कॉलिंग, तो वीडियो कॉलिंग से उसकी सारी की सारी केवाईसी ले लिया, ड्यू डिलीजेंस हो गया, सब कुछ हो गया, बट अभी भी वो फेस टू फेस तो नहीं हुआ ना, फिजिकली प्रेजेंट नहीं हुआ. ठीक है, वैसे तो सारी की सारी रिकॉर्डिंग लाइव होती है. ठीक है, एक एग्जांपल है. दूसरा एग्जांपल है पर्दा नशी लेडी का. ठीक है सर. हाँ हाँ, है ना, पर्दा नशी में क्या होता है, उसमें वहां पर आपको डिफाइन करना होता है नॉन फेस टू फेस कस्टमर, क्योंकि आपने कभी उसका फेस देखा ही नहीं. सर सर, आईडी में भी उसकी सिर्फ आईज दिख रही हूं. सर सर, है ना, तो ये भी एक नॉन फेस टू फेस कस्टमर होगा. ओके सर, थैंक यू. ओके, गुड नाइट. थैंक यू सर, गुड नाइट. ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू.